एंड्रॉइड की बेस्ट एप्लीकेशन की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऐप टेक मास्टर को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐप टेक मास्टर के एक नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने किसी भी यूआरएल को, जो कि एक लंबा चौड़ा यूआरएल होता है, उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर एक यूआरएल देख लेते हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का यूआरएल है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना लंबा ये यूआरएल है, और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे। तो आइए इसी यूआरएल को हम सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सीधे यहीं से शुरू करते हैं अपना वीडियो। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऐप टेक मास्टर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पर जाके सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है सॉर्ट यूआरएल। और सॉर्ट यूआरएल टाइप करने के बाद आपको इस तरह से कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, जहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक लिंक मिलेगी bitly.com की। आपको इसी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप पहुँच जाएंगे एक नए पेज पर, जहाँ पर आप अपने यूआरएल को सॉर्ट कर सकते हैं। बस सिंपली आपको यहाँ पर अपना लॉन्ग वाला यूआरएल पेस्ट करना है, उसके बाद नीचे शॉर्टन बटन पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद ही आपका यहाँ पर यूआरएल सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसे कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद आप इस यूआरएल को कहीं पर भी पेस्ट कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सॉर्ट यूआरएल कॉपी किया था और उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारा लॉन्ग यूआरएल है और एक यहाँ पर शॉर्ट है। ये दोनों एक ही यूआरएल पर काम करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आप चैनल पे ही पहुँच रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर शॉर्ट वाले पर क्लिक करेंगे तब पर भी आप इसी चैनल पर पहुँचेंगे। तो कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए एप्लीकेशन के साथ, किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।